नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवम मोबाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं तो फिलहाल एक वर्क तो कर चुका हूँ। ओके, तो जैसे कि आप फ़ोन देख रहे हैं कि मेरे पास ये आसुस का फ़ोन है, आसुस जेनफोन मैक्स M1। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी वो अभी आपको मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम पहले क्या थी। ओके, तो किसी से टेक्नीशियन ने देखा था तो पता नहीं, फ़िलहाल मुझसे जो कस्टमर बोला था कि मैंने एक जगह दिखाया था तो उसने रीसेट वगैरह कुछ भी किया, आई थिंक, आई डोंट नो। तो इसमें ऐसा था फ्रेंड्स कि इस जो आपने स्क्रीनशॉट देखा ये उस कंडीशन पे फ़ोन था। ओके, तो फ़िलहाल तो मैं फ़ोन बना चुका हूँ, तो वीडियो फ्रेंड्स मैं किस कारण इस कंप्लीट नहीं बना पाया इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत ट्राई किया और अब ये जाके सक्सेसफुल अभी जस्ट हुआ, जो कि टाइम अभी का 11 बज रहा है। ओके, तो अब मैंने इसको पूरा कंप्लीट यानी कंप्लीट कर पाए हैं। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे करोगे। ओके, जैसे कि मैंने इस पर कम से कम दो तीन बार फ्लैश किया, दो तीन फाइलों से इसको फ्लैश किया, बट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। तब एक फाइल मुझे मिली जो कि ये फ़ोन पूरा कंप्लीट आपके सामने है, जो कि पूरा वर्किंग कंडीशन पे है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आप देख सकते हो। तो मैंने सोचा जो अगर वीडियो नहीं बना पाया तो आप लोगों तक थोड़ी बहुत जानकारी और एक टेस्टेड फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो फ्रेंड्स इसका प्रोसेस क्या है वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, जो कि प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा तो अब सिंपल है, कोई ज़्यादा खास तो है नहीं। फिलहाल जिन भाई को मालूम है तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम है तो ये वीडियो उनके लिए है। ओके, तो ये प्रोसेस इसका कैसा क्या है, क्योंकि फ़ाइल टेस्टेड थी तो मैंने सोचा अपने कुछ व्यूवर्स या सब्सक्राइबर को कुछ फाइल में प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से इसे फ्लैश कर पाएँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स इसे जो है हम लोग अभी इसे मैं आपको पूरा मैं प्रोसेस अभी समझा रहा हूँ। ओके, तो एक सेकंड फ्रेंड्स। ओके, तो अब हम चलेंगे फ्रेंड्स पीसी पे। ओके, जस्ट फ़ोन पे यहाँ रख देंगे और अब हम चलेंगे पीसी पे। तो फ्रेंड्स हम लोग पीसी पे जैसे कि हम लोग आ चुके हैं। ओके, तो ये मेरा फर्मवेयर है। ओके, जो कि इसकी फ्लैश फाइल। ओके, और ये ADB सेटअप है और ये इसका फाइल है। ठीक, तो आपको फर्स्ट टाइम पहले क्या करना है, इसको ADB सेटअप को इंस्टॉल करना है। इसको आपने ओपन किया, ओके, तो ये बता रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल ADB एंड फास्ट मोड बूट। ओके, तो यहाँ पे नो के लिए, जो अगर आपको ड्राइवर नहीं चाहिए तो नो, और जो अगर आपको ड्राइवर इसका इंस्टॉल करना है। ओके, तो यहाँ पे आप एक सेकंड, तो यहाँ पे आपको वाई सेलेक्ट करना है और इंटर देना है, फिर वाई सेलेक्ट करना है, इंटर देना है। ओके, तो यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉलेशन ये ले लेगा। ओके, तो फिलहाल मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, जस्ट टू फाइल कॉम्पीट। ये तो मैं आपको प्रोसेस पूरा समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ वाई देने के बाद ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन होगा, नेक्स्ट कर लेना है। ओके, आपको इतना काम करने के बाद में, और हो सकता है शायद अभी एक सेकंड में एक बार इंटर करके और देखता हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा ही दूँ। ओके, गुड, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, तो ये आपका ड्राइवर ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल जो आप लोग मेरिकल के ड्राइवर्स डाउनलोड कर जो इंस्टॉल करते हो उससे भी हो जाएगा, बट मैंने जो प्रोसेस किया मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ से इसे कट कर देना है, फिर उसके बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद में ये पूरा फ्लैश फाइल जो है, यानी जितना इसका डेटा है, ये सब पूरा का पूरा कॉपी करना है यहाँ से।
ओके, ये यहाँ से जस्ट कॉपी कर लोगे और ये एक हाँ सी ड्राइव में ये आपका एडीबी फोल्डर बन जाएगा। ओके, एडीबी फोल्डर बन जाएगा जब आप इसको इंस्टॉल करोगे। एक सेकंड, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ओके, तो ये फोल्डर आपका बन जाएगा। तो आपको सारी की सारी फाइलें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और लास्ट में मैं आपको ये भी समझा दूँ, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा प्रोसेस ही बता दूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे तो मैं कोई फेक वीडियो तो नहीं बनाता हूँ। जब मैंने इस पर पूरा कंप्लीट टेस्ट कर लिया, जब मेरा फ़ोन कम्प्लीटली चालू हो गया, तभी मैंने इस पर जो है वीडियो बनाया, ताकि नहीं तो अगर आपको सामने लाइव करके दिखा सकता हूँ, कम से कम समझा तो सकता हूँ, आपको आराम थोड़ी बहुत मिल ही सकती है। तो यहाँ पे मूव, बट आपको सारी की सारी कॉपी फाइल करनी, जो अगर आपके पास स्किप आए तो यहाँ पे स्किप आपको नहीं करना है। ओके, फिलहाल तो मैंने कॉपी करके रखा है तभी ये सब दे रहा है बार बार। ओके, तो आपको जस्ट सारा का सारा डाटा यहाँ उठा के डाल देना है। ओके, और उसके बाद आपको फ़ोन को, अब चले सीधे फ़ोन की तरफ, फ़ोन को पावर ऑफ, मैं पावर ऑफ करता हूँ, आपको तो वैसे भी फ़ोन इस कंडीशन में होगा शायद। पावर बटन, वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करके रखना है। ओके, सीएससी फास्ट मोड बूट, और आपको केबल अटैच कर देना है। ओके, जैसे कि आप सुन सकते हो ड्राइवर, ये आप देख सकते हो, ये ड्राइवर यहाँ पे ले चुका है। अब मैं आपको डिवाइस मैनेजर में भी आपको शो करवा देता हूँ। ये आप देखिए, तो मिरेकल एडीबी इंफॉर्मेशन ड्राइवर तो आपका बन जाएगा, बट ये आपको फोल्डर, ये जो मैंने आपको पहले ड्राइवर बोला था, ये आपको इंस्टॉल करना ही करना होगा। उसके बाद कोई भी फाइल फ्रेंड्स कॉपी होने के बाद छूटनी नहीं चाहिए। ओके, कोई भी फाइल नहीं छूटनी चाहिए। और फ़ोन को इस कंडीशन में रखने के बाद इसे जो फ्लैश ऑल AFT, ये आप देख सकते हो, हाँ अब आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, चाहे डायरेक्ट आप ओपन कर लो या वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फ़ोन को आपको जस्ट ऐसे रख देना है, प्रोसेस पूरा हो जाएगा, पूरा फ़ोन फ्लश हो जाएगा, तो फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने पूरा का पूरा आपको समझाने की इसमें पूरी कोशिश की है। तो अब पीसी का काम तो ख़त्म है, तो फिलहाल तो मुझे तो अभी रिबूट करना होगा। बाकी मैंने आपको सारा का सारा समझा दिया है ताकि आपको कोई आसुस इस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। जो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करें, और हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, और वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर लें, हो सकता है बहुत से भाई नहीं जानते हों। ओके, तो थोड़ी बहुत जानकारी उनको, उन लोगों को पहुँच सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।